दोस्तों आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मरते हैं और बार बार स्त्री गर्भ में शयन करते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि बार बार मृत्यु और अगले जन्म के बीच के समय हम कहाँ होते हैं? क्या मृत्यु के पश्चात हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, या कोई स्थान है जहाँ मृत्यु के पश्चात हम या हमारी आत्मा कुछ समय के लिए निवास करती है और फिर कुछ समय बाद वापस नया शरीर लेकर पृथ्वी पर जन्म ले लेती है? दोस्तों आज हम इसी प्रश्न का उत्तर दो खास पुस्तकों के आधार पर जानेंगे। इन दो पुस्तकों के नाम हैं योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीव आत्मा जगत के नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों अगर विभिन्न धर्मों की बात करें तो वो भी यह मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है। तभी सभी धर्मों ने स्वर्ग या नर्क की कल्पना तो की ही है, लेकिन दोस्तों दुनिया के लगभग सभी धर्म जहां केवल स्वर्ग और नर्क की बातें करते हैं, वहीं सनातन या हमारा हिंदू धर्म स्वर्ग नर्क से आगे बढ़कर कई अन्य लोकों या आयामों और फिर मुक्ति की भी बात करता है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इन्हें सच कैसे माना जाए, सच का आखिर पैमाना क्या हो, क्योंकि कुछ लोग यह भी कहेंगे कि ये सारे धर्म ग्रंथ काफी पुराने हो चुके हैं और इनमें बहुत सी मिलावटें भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों के लिए आज मैं दो ऐसे पुस्तकों से प्रमाण ले रहा हूं जो आधुनिक भी हैं और प्रामाणिक भी। पहली पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी या योगी कथामृत। यह पुस्तक विश्वविख्यात संत श्री श्री परमहंस योगानंद जी के जीवन पर आधारित है। इस पुस्तक के 43वें अध्याय में वर्णित व्याख्या के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी, जो कि योगानंद जी के गुरु थे, जिनकी मृत्यु कुछ समय पूर्व पुरी के आश्रम में हो चुकी थी, वह कुछ दिनों पश्चात योगानंद जी के समक्ष मुंबई के एक होटल में सशरीर प्रकट हुए। दोस्तों वह मृत्यु के बाद भी सशरीर कैसे प्रकट हुए, इसके विषय में कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि युक्तेश्वर जी ने उन सूक्ष्म लोकों के विषय में क्या कहा जहां वह मृत्यु के पश्चात पहुंचे। दोस्तों युक्तेश्वर जी यहां योगानंद जी को बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनका पुनरुत्थान या अवतार एक उच्च लोक में हुआ, जिसका नाम उन्होंने हिरण्य लोक बताया। उस लोक की विशेषताएं बताते हुए युक्तेश्वर जी कहते हैं, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्य की सहायता करने के लिए संतों और सद्गुरुओं को इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने एक सूक्ष्म लोक में वहां रहने वाले लोगों की मुक्त होने में सहायता करने के लिए आदेश मुझे दिया है। उस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। वहां मैं उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत के कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार सूक्ष्म जगत में बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करता हूँ। हिरण्य लोक के अधिकतर निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत हैं। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग करने की ध्यान प्रदत्त सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। पृथ्वी पर रहते जब तक कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि की स्थिति में नहीं होता, तब तक वह हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों युक्तेश्वर जी यह भी बताते हैं कि हिरण्य लोक से नीचे कई अन्य लोक हैं जहां पृथ्वी पर मृत्यु के पश्चात आत्माएं जाती हैं, जहां आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वतंत्रता या पाबंदी भरा जीवन मिलता है। दोस्तों युक्तेश्वर जी बताते हैं कि अलग अलग आयामों या लोकों में आत्माएं अलग अलग शरीरों में आबद्ध रहती हैं। वो कहते हैं, पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है,
सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाएं और प्राण शक्ति से बने शरीर से चलता है। कारण जगत में कारण शरीरधारी जीव भावों से बने आनंदमय कारण जगत में रहता है। दोस्तों, इस प्रकार पूरे विस्तार से युक्तेश्वर जी उन लोगों के विषय में इस अध्याय में बताते हैं, जिसका एक छोटा सा अंश मैंने आपको यहाँ बताया। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इन दोनों किताबों को खरीद सकते हैं और इसके विषय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी पुस्तक है द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड या जीवात्मा जगत के नियम। इस पुस्तक को लिखा है खुर्शेद भावनगरी ने। दोस्तों, यह एक अद्भुत पुस्तक है क्योंकि इसमें लेखिका या खुर्शेद भावनगरी के दो पुत्रों की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, जिनका नाम रातू और विप्सी होता है। लेकिन मृत्यु के करीब एक महीने बाद ये दोनों आत्माएं अपनी माँ यानी खुर्शेद भावनगरी के संपर्क में आती हैं और उन्हें आत्म जगत के नियमों और जीवन शैली के विषय में बताती हैं। वह यह भी बताते हैं कि किस प्रकार उन्हें मृत्यु के पश्चात धरती से सूक्ष्म आयामों पर या सूक्ष्म लोकों पर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें वहां सुला दिया गया, ताकि धरती के जीवन की थकान से मुक्ति पाकर वह फिर से तरोताजा हो जाए। दोस्तों, ये दोनों ही आत्माएं बताती हैं कि जीवात्मा जगत में सात आयाम या लोक हैं, जिसे उन्होंने अंग्रेजी में रिल्म कहा है। इसमें एक से चार तक के जो लोक हैं, उनमें बुरी आत्माओं को प्रवेश मिलता है, जबकि पांच से सात तक के जो लोक हैं, वह अच्छी और शुद्ध आयाम के लिए है। पांच से सात तक की आबो हवा बहुत सुंदर और आनंददायक होती है। वहां सभी आत्माएं आपस में मिलजुल कर और प्रेम से रहती हैं। लेकिन नीचे के लोकों में आत्माओं का जीवन काफी कष्टमय होता है। दोस्तों, ये आत्माएं यह भी बताती हैं कि इन लोकों से ऊपर और भी अन्य सृष्टि के आयाम हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उन आयामों में केवल उच्च आत्माएं ही जा सकती हैं और रह सकती हैं, जिन्होंने काफी प्रगति कर ली हो। दोस्तों, अब याद करिए युक्तेश्वर जी के उस वक्तव्य को, जब उन्होंने कहा था कि हिरण्यलोक से नीचे कई आयाम या लोक हैं। दोस्तों, तो हम क्यों न समझें कि रातू और विप्सी मृत्यु के पश्चात इन्हीं दो लोकों के उच्च स्तरों में अपने कर्मों के अनुसार पहुंचे और उन्होंने अपने लोकों के विषय में अपनी माता यानी खुर्शेद भावनगरी को बताया। दोस्तों, इस बात को भी समझिए कि युक्तेश्वर जी एक समाधिस्थ संत थे, जिनकी आत्मा बिल्कुल पवित्र और कर्मों से रहित थी, इसलिए वह हिरण्यलोक यानी उच्च लोक में अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन विप्सी और रातू एक आम व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म तो किए थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई साधना आदि नहीं की थी, इसलिए वह एक निम्न लोक के ही उच्च आयाम में पहुंचे। दोस्तों, यानी बात घूम फिर कर वही आती है कि जैसे आपके कर्म होंगे, वैसे ही मृत्युपरांत आपकी स्थिति होगी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि देह त्यागने के बाद भी आपकी मृत्यु नहीं होती, आप जीवित रहते हो, आपका अस्तित्व बना रहता है। मृत्यु के बाद भी आप वही रहेंगे, बस आपका स्थूल शरीर आपसे छीन लिया जाएगा और आपके कर्मों के अनुसार आपको सूक्ष्म या कारण जगत में वास करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए किसी भी बात पर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।